तो भाई लोग मैंने कल 3 वीडियो अपलोड की थी, लेकिन मैंने देखा कि सालों तुम लाइक ही नहीं कर रहे हो, क्या फायदा मेरा 3 वीडियो अपलोड करने का। हाँ चलो इस वीडियो को लाइक कर देना और जाकर उन वीडियो को भी लाइक करना, ठीक है। सभी के सभी बंदे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी शेयर कर देना। जो बंदे शूरवीर के एपिसोड देखते हैं उनको बोलो कि भैया इस चैनल पे शूरवीर की स्टोरी एक्सप्लेन की जा रही है, इसको देखो, यहाँ पर मजे ही मजे हैं। और जो बंदा हमारे चैनल पर नहीं आ रहा उसको गाली गोली दो, कुछ भी करो, उसको गोली मारो, उसको जान से मार दो, कुछ भी करो, धक्के से लाओ, उसकी फैमिली को किडनैप करो, लेकिन इस चैनल पर लेकर आओ और सब्सक्राइब करो, इस स्टोरी को देखना शुरू कर दो। उनको बोलो धक्के से धक्का मुक्की करके इस चैनल पर लाओ और ये स्टोरी जबरदस्ती दिखाओ। और हाँ, अपनी जीएफ का नंबर देने की कोई जरूरत नहीं, मैं साला सिंगल ही ठीक हूँ। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्वीन और वीर दोनों वर्चुअल बैटल में आ जाते हैं। वीर क्वीन को देखकर बोलता है क्या यही क्वीन है, और कुछ लोगों को चेहरे देखने की जरूरत नहीं होती, उनसे एक अलग ही फीलिंग आती है और मुझे इससे वही फीलिंग आ रही है, पक्का यही क्वीन है। इतना बोलते ही वीर क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है और वो मन में सोचने लगता है कि मुझे इस पे पहले अटैक करना चाहिए, शायद ये बाद में मुझे मौका नहीं देगी। और फिर हम देखते हैं कि क्वीन वीर के अटैक को बहुत ही स्पीड से डॉच कर लेती है। वीर एक बार फिर से क्वीन के ऊपर अटैक करते हुए मन में सोचने लगता है कि ये मुझ पे वापस से अटैक क्यों नहीं कर रही है। क्वीन वीर के इस अटैक को भी बड़ी आसानी से डॉच कर लेती है। वीर क्वीन के ऊपर बार बार अटैक करता है, लेकिन क्वीन उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच करती है और धीरे धीरे पीछे होती जाती है। वीर मन में सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्वीन के साथ में प्रैक्टिस कैसे करूंगा। वीर का हर अटैक क्वीन के कपड़ों को भी नहीं छू पाता। वीर बोलता है कि ये मेरे अटैक को बहुत ही स्पीड से डॉच कर रही है, आखिर ये कैसे कर पा रही है, इसको कैसे पता चल रहा है कि मैं कब और कैसे अटैक कर रहा हूँ। क्वीन वीर के पंच के आगे से हटकर उसके पीछे चली जाती है। इसे देखकर वीर बोलता है कि इसकी लय फिर से बदल गई, आखिर कोई बंदा अपनी मर्जी से लय को कैसे कंट्रोल कर सकता है, मेरा हर अटैक इस पे बेकार है। और फिर वीर कॉर्नर पे चला जाता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, वो हर टाइम मेरे अटैक को डॉच कर रही थी और उसने मुझे पता भी नहीं चलने दिया और मैं कॉर्नर पे आ गया। और तभी मौका देख के क्वीन वीर के ऊपर अटैक कर देती है। वीर अपने दोनों हाथों से क्वीन की किक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता और वो अरेना से बाहर निकल जाता है और क्वीन इस मैच को विन कर जाती है। वीर बोलता है कि इसने मुझे एक ही अटैक में किल कर दिया, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। वीर अपने मैच को याद करते हुए बोलते है कि क्वीन ने शरीर की कोई भी टेक्निक यूज नहीं की थी और जब वो मेरे अटैक को डॉच कर रही थी उसने जो भी कदम उठाए वो सभी उसने डिजाइन किए हुए थे। क्वीन मुझे जहाँ पर लेकर जाना चाहती थी मैं अपनी मर्जी के बिना वहाँ पर चला गया। वीर अपने ग्लैडिएटर में क्वीन को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हुए बोलता है कि मुझे इसे दोस्त बनाना है, ये सुपर एलियन की तरह बहुत ही ज्यादा डरावनी है, अगर मैं इसके साथ में फाइट करता रहा तो मुझे सुपर एलियन को मारने में बहुत मदद मिलेगी। और दूसरी तरफ क्वीन वीर की रिक्वेस्ट को देखकर बोलते है कि ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करूंगी, और फिर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद क्वीन द्रोणा मार्शल हॉल में चली जाती है जहाँ पर एक बंदा क्वीन से बोलता है क्वीन क्या वॉरमीर का एक सोल्जर नित्यम का अपोनेंट होने के लायक है। क्वीन आगे से बोलते है कि हाँ। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम वीर को देखते हैं जिसके हाथ में ओवरलोडिंग जीन फ्लूइड होता है। इसे देखकर वीर बोलता है ओवरलोडिंग हमारे शरीर को ओवरलोड कर देता है और हमारी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। नियंती मंत्रा की प्रैक्टिस करके मैंने अपने दिल की धड़कन को बहुत ज्यादा मजबूत बना लिया है, अगर मैं ओवरलोडिंग जीन फ्लूइड का यूज करूंगा तो इसका प्रभाव दोगुना हो जाएगा। और फिर तभी वीर के पास में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। इसे देखकर वीर बोलता है कि 1000 पेपर क्रेन, इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। वीर इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। वीर जैसे एक्सेप्ट करता है वो वर्चुअल बैटल में चला जाता है और इन लोगों का मैच स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये नित्यम होता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि मेरे एक्सेप्ट करते ही इसने मैच स्टार्ट कर दिया, क्या ये छुपके अटैक करना चाहता है। वीर अपने दोनों हाथों से नित्यम की किक को ब्लॉक करने लगता है और नित्यम को देखकर मन में सोचने लगता है कि देखने में इसकी उम्र बहुत कम लग रही है लेकिन इसकी फिटनेस 30 के आसपास है। नित्यम वहां से जंप लगाते हुए पीछे चला जाता है और नीचे जमीन पे आ जाता है। और फिर वीर मन में सोचने लगता है कि इस बंदे की पावर और इसकी टेक्निक इतनी भी सिंपल नहीं है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्द हार जाऊंगा। वीर नियंती मंत्रा की प्रैक्टिस शुरू कर देता है और वो मन में सोचने लगता है कि नियंती मंत्रा और ओवरलोड की प्रैक्टिस एक साथ में करूंगा तो मेरी फिटनेस 27 या 28 के आसपास चली जाएगी, अब हार्ड ट्रेनिंग करने का टाइम आ गया। लेकिन तभी वहां पे नित्यम आता और वीर को उठा के जमीन पे मारता है, इसके कारण वीर इस मैच को वहीं पे हार जाता है। इसके बाद वीर नित्यम से एक और मैच खेलता है जहाँ पर नित्यम वीर को उठा के दीवार पे मारता और वीर इस मैच को हार जाता है। और फिर वीर एक और मैच खेलता है जहाँ पर नित्यम वीर को जोरदार पंच मारता और वीर को हरा देता है। और फिर वीर एक और मैच स्टार्ट करता है और वीर मन में सोचने लगता है कि मैं अपनी फिटनेस और अपनी कोई भी मार्शल आर्ट से इसको नहीं हरा सकता, मुझे क्वीन की टेक्निक को ट्राई करना चाहिए। वीर फुल स्पीड से नित्यम के ऊपर अटैक करने लगता है और नित्यम उसके अटैक को डॉच करते हुए पीछे जाने लगता है। वीर मन में सोचता है कि मैं इस टेक्निक में अभी क्वीन की जितना अच्छा तो नहीं हूँ लेकिन मैं अपने अपोनेंट को एक चाल चलने से तो रोक ही सकता हूँ।
नित्यम स्माइल देते हुए बोलता है कि इस बंदे के पास में कई सारी चालें हैं और इसकी लय कर्म से बाहर है। ये बंदा थोड़ा सा अजीब है लेकिन इंटरेस्टेड है। वीर अपने पंच से नित्यम के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और वीर मन में सोचता है कि मुझे अपना एक कदम बढ़ाने के बाद अपने अगले 50 कदमों के बारे में सोचना होगा, ऐसा करके मैं अपने अपोनेंट को फंसा सकता हूँ जैसे क्वीन ने मुझे फंसाया था। वीर बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो नित्यम के पीछे जाकर अपने आगे के कदमों के बारे में सोचने लगता है। इसे देखकर नित्यम बोलता है कि ये कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, क्या ये मेरी नकल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी नित्यम वीर के सोचे हुए कदम पर अपना पैर रख देता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि अब मेरा चांस है और वीर उसके चारों तरफ से अटैक कर देता है। इसे देखकर नित्यम बहुत ज्यादा हैरान होता है। नित्यम वीर को देखकर बोलता है कि इसने सच में मेरी आगे की चाल का पता लगा लिया और मेरी चाल को यहीं पे बंद कर दिया। और फिर नित्यम बहुत ही स्पीड से वीर के अटैक के आगे से हट जाता है। वीर मन में सोचने लगता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा स्लो हूँ, मुझे और भी ज्यादा तेज होना होगा, इस बंदे की फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नित्यम वीर को देखकर बोलता है कि ये बंदा सच में बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस का यूज करके इसके अटैक से बचना पड़ रहा है। जैसा क्वीन ने कहा था मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ, अब मैं इसके साथ में प्रैक्टिस करूंगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।